हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ कुसुम शर्मा। दो कले जल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, मैंने टोपियारी बनाई थी बहुत पहले, तो अब इनकी आज मैं फिनिशिंग करूँगी। आप भी देख लीजिए, बहुत इजी है। ये पिकॉक बन रहा है, इसको शेप दूँगी। इन सबको शेप देनी है, तो कटाई छटाई होगी, आप भी देखिएगा। तो जिसमें वायर की ज़रूरत है वो वहाँ वायरिंग करूँगी, जहाँ पे कटिंग की ज़रूरत है वहाँ पे कटिंग्स करूँगी। जो लगता है कटिंग मेरे काम आ सकती है उसे मैं काम में ले लूँगी। ये कट नहीं करूँगी। एक वायर लूंगी, ये वाला पतला सा, कट कर लूंगी इसको। और जहाँ मेरे को लगता है यहाँ ज़रूरत है इसको, हम इसके साथ में इसको थोड़ा कर देंगे हल्का सा इस तरह से। और जो मैंने थोड़ा सा ये कर लिया था इसको एक बार और काट लूँगी मैं। थोड़ा इसको दबाना पड़ेगा, इसको मैंने शेप दे दी है। और ऐसे ऐसे करके सबकी बारी आएगी। जैसे कहीं से कट ये निकल गया, देखिए जैसे, अब इसको क्या करूँगी मैं। अभी भी इसमें दम है, चल सकता है ये। हाँ, बिल्कुल ज़िंदा है। तो मैं इसको किसी छाया जगह पर रख दूँगी लगा कर। कभी ऐसे से आपसे भी गलती हो जाए करें तो आप इस तरह से इसको उनको कर लिया करिए।
ये शेपाने इसमें बाकी है अभी, ये एक ऐसा ट्री बन जाएगा। इस टाइप का ये था, ये 10 साल पुराना है मेरा पौधा। बस इसमें ज़्यादा कटिंग नहीं होगी क्योंकि अभी यहाँ आएंगी पत्तियाँ तो तभी कटिंग होगी इसकी, टाइम लगता है इन चीज़ों में।
तो फ्रेंड्स के भी शेप आ चुके हैं। अब जैसे जैसे ये कटिंग्स जो लगी है इन सबको मैं एक ये टोपियारी बनाई है। तैयार हो चुकी है तो फ्रेंड्स ये भी रेडी है और ये भी रेडी है। आप भी इस तरह से बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा आपको और मेरे बताने का तरीका कैसा है और कटिंग्स किस टाइप से मैंने की है, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा, तो ये सब कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। थैंक यू।